नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। आज हम बात करते हैं ऐसे आईपीएस अधिकारी की जिन्होंने भक्ति में लीन होकर अपनी आधिकारिक नौकरी त्याग दी। जी हाँ, इसमें सबसे पहले नाम है किशोर कुणाल, जीके पांडा, गुप्तेश्वर पांडे के बाद अब एक और आईपीएस अधिकारी यानी कि भारती अरोड़ा अब इस लिस्ट में शामिल हो गई है। दरअसल वो भी अब कृष्ण की मीरा बनेंगी। जी हाँ, हरियाणा कैडर की 1998 बैच की आईपीएस अधिकारी भारती अरोड़ा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है यानी वीआरएस ले ली है। गुरुवार को ही भारती अरोड़ा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने मंजूरी दे दी है। भारती अरोड़ा अब अपना शेष जीवन, बचा हुआ जीवन जो है वो कृष्ण भक्ति में गुजारेंगी। अरोड़ा इस वक्त अंबाला रेंज के आईजी के पद पर तैनात है। 1 दिसंबर 2021 के बाद वह पद पर नहीं रहेंगी। भारती अरोड़ा के पति यानी कि विकास अरोड़ा भी हरियाणा कैडर के 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इस वक्त फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त में है वो। अब भारती अरोड़ा का नाम भी किशोर कुणाल, जीके पांडा, गुप्तेश्वर पांडे जैसे आईपीएस अधिकारी की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने भक्त में लीन होकर अपनी आधिकारिक नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपना जीवन कृष्ण और हनुमान की भक्त में गुजारने का सोचा है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीएस अधिकारी की जिनकी ईमानदारी के डर से बिहार की सरकार हिल गई थी। कई चर्चित घोटालों और अपनी दबंगता का लोहा मनवाने के लिए गुजरात के कैडर आईपीएस अधिकारी भगवान की भक्ति के सामने हार गए। गुजरात से बिहार में कैडर ट्रांसफर के बाद वह काफ़ी चर्चित हुए, लेकिन हनुमान भक्ति के कारण उन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया। हम बात कर रहे हैं किशोर कुणाल की जिन्होंने अब हनुमान भक्ति में लीन होकर अपना नाम जो है वह आचार्य किशोर कुणाल कर लिया है। आचार्य किशोर कुणाल जो है वो संस्कृत भाषा की भी उनकी ज़बरदस्त पकड़ रही है और अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि विवाद में इन्होंने कोर्ट में सरयू नदी और राम के वर्चस्व को लेकर महत्वपूर्ण शोध भी किया था, जो कि बाद में फैसले में अपनी अहम रोल भी अदा किया था। साथ ही साथ ये जो है वो पटना के ज्ञान निकेतन नामक प्रसिद्ध विद्यालय के संस्थापक भी रहे हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जीके पांडा की, जो कि 1971 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने ये कहते हुए अपना पद त्याग दिया कि उनके सपने में कृष्ण आते हैं और कृष्ण ने उनसे कहा कि पांडा तुम मेरी मीरा हो। जी हाँ, देवेंद्र किशोर पांडा ने जिस समय पद का त्याग किया था उस समय वह आईजी के पद पर तैनात थे। पांडा साल 2005 में सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने कहा था कि 1991 में वो राधा बन गए जब उनके सपने में कृष्ण ने आकर उनसे कहा कि तुम मेरी राधा हो, तुम मेरी मीरा हो। साथ ही साथ कहा कि 1991 के साल 2005 तक पांडा चोरी छुपे राधा बनते रहे और साल 2005 में तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने पूरी तरीके से दुल्हन का श्रृंगार किया था और पूरी तरीके से सज धज कर वो अपने जो कार्यालय है वहाँ पर पहुँच गए थे। उन्होंने हाथ में चूड़ियाँ, मस्तक पर टीका, नाक में नथनी, पीला सलवार कुर्ता और पैरों में घुंघरू पहनकर ऑफिस पहुँचने लगे और साथ ही पल पर हर पल जो है वो कृष्ण कृष्ण कहते रहे। पांडा प्रयागराज के रहने वाले थे और राधा बनने के चक्कर में उन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया। अब इसके बाद बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व डीजीपी और आईपीएस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे की। वैसे तो उन्होंने नौकरी जो है वो चुनाव के लिए छोड़ी थी, लेकिन बाद में वह कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। तब से पूरे देश में घूमकर श्री कृष्ण भक्ति का प्रवचन भी दे रहे हैं। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत के मौत के समय गुप्तेश्वर पांडे जो है वो सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ डीजीपी के पद पर रहते हुए मोर्चा खोल दिया था। बाद में वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए रिटायरमेंट से कुछ महीना पहले ही वीआरएस ले लिया था। पांडे ने जदयू की सदस्यता भी ग्रहण की थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण उनकी जो राजनीति मोह थी वो भंग हो गई और उसके बाद वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए और फिर तमाम जगहों पर वो देश विदेश में घूमकर श्री कृष्ण का प्रवचन देते हैं और ऑनलाइन भी ये प्रवचन शुरू किए हैं।
अब इन तमाम लिस्टों में एक और नाम भारती अरोड़ा का शामिल हो गया है, वो भी अब VRS ले रही हैं। अब हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी भारती अरोड़ा ने भी कहा कि वह VRS श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के कारण लिया है। बीते 10 साल से भारती ने VRS लेने का मन बना रखा था, लेकिन सही वक्त का वो इंतज़ार कर रही थी और इस बार भारती ने दूसरी बार VRS के लिए आवेदन दिया। पहले वह जुलाई में DGP को पत्र लिखकर VRS लेने की मांग की थी। तब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भारती के फाइल को देखते हुए कहा था कि वह एक काबिल ईमानदार पुलिस अधिकारी है और उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति नहीं लेना चाहिए और उस पर अगर वो ले रही हैं तो पुनः विचार करना चाहिए। और इस तरीके से जो भारती अरोड़ा है वो VRS लेकर काफ़ी खुश है। तो ये तमाम IPS अधिकारी जो है वो कृष्ण और हनुमान की भक्ति में लीन होकर अपने आधिकारिक पद को त्याग दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ PR। धन्यवाद।